राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरुजी का जन्म फाल्गुन एकादशी विक्रमी संवत 1963 तदनुसार 19 फरवरी 1906 को महाराष्ट्र के रामटेक में हुआ था। पिता सदाशिवराव भाऊजी तथा माता लक्ष्मीबाई ताई थी। बीएचयू से 1928 में एमएससी की परीक्षा भी प्राणी शास्त्र विषय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने के उपरांत प्राणी शास्त्र विषय में मत्स्य जीवन पर शोध कार्य हेतु मद्रास के मत्स्यालय से जुड़ गए। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपना शोध कार्य अधूरा छोड़कर अप्रैल 1929 में नागपुर वापस लौटना पड़ा। 1931 में बीएचयू में अंग्रेजी व राजनीति शास्त्र का अध्यापन करते हुए माधव राव इतने लोकप्रिय हुए कि विद्यार्थी उनको गुरुजी के नाम से संबोधित करने लगे। विचित्र संयोग ही कहेंगे कि उसी कालखंड में जब 1931 में श्री गुरुजी ने बीएचयू में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया तो भैया जी दाणे तथा नानाजी व्यास ने बनारस में संघ की शाखा प्रारंभ की। गुरुजी की विद्वत्ता लोकप्रियता व नेतृत्व क्षमता को देखते हुए भैया जी दाणी ने संघ कार्य एवं संगठन के लिए गुरुजी से संपर्क किया, जिसका सुपरिणाम यह निकला कि संघ के स्वयंसेवक न केवल अपने शिक्षण में ही श्री गुरुजी की मदद लेते बल्कि विभिन्न अवसरों पर उनके भाषणों का आयोजन भी करते। इसी अवधि में करीब 30 स्वयंसेवक शिक्षा प्राप्ति हेतु वाराणसी पहुंचे। इन सब विद्यार्थियों का श्री गुरुजी से संपर्क था। 21 जून 1940 को डॉक्टर साहब के निधन के 13वें दिन रेशिम बाग नागपुर में उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित की गई। नागपुर प्रांत संचालक ने नए सर संचालक की घोषणा की। उन्होंने कहा, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार की इच्छा के अनुसार श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरुजी अब अपने सर संचालक हो गए हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 में देश विभाजन, विभाजन व भीषण रक्तपात, हिंदू विस्थापितों का भारत आगमन, कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण, महात्मा गांधी की हत्या, संघ पर प्रतिबंध, भाषावार प्रांत रचना, 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण, 1965 में भारत पाक युद्ध और 1971 में भारत व पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध और बांग्लादेश का अस्तित्व में आना। श्री गुरुजी ने सर संचालक का दायित्व 5 जून 1973 तक अर्थात लगभग 33 वर्षों तक संभाला। श्री गुरुजी ने 1942 में पूना में प्रांतीय बैठक में संघ में अपने प्रवेश पर कहा था, मैं तो रहा एकदम बहुत ही यहाँ वहाँ घूमने वाला, फिर भी पता नहीं मुझ पर कैसे संस्कार हो गया। इस तथ्य को या तो भगवान ही जानता है या संस्कार डालने वाला। एक बार भूल से डॉक्टर जी का भाषण सुनने बैठ गया। मुझे अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। उस भाषण में न तो कोई तर्क था, न कोई इतिहास का हवाला, न दर्शन था, न कोई बड़ा सिद्धांत। डॉक्टर जी ने कहा कि बस इतना ही स्वयंसेवक बंधुओं काम करते जाइए, निष्ठापूर्वक काम करते जाइए, प्रेम से काम करते जाइए। मैंने सोचा कि यह मात्र तोता रटन है, उसका मूल्य मैंने जाना नहीं, किंतु अब सब भुला बैठा हूँ मैं। उस भाषण में मुझे पांडित्य नहीं दिखाई दिया, उस भाषण में आंध्रता थी, किंतु डॉक्टर जी का भाषण अंतःकरण की एक एक तह पार करता हुआ गहरा उतर गया। परंतु डॉक्टर जी के भाषण में हार्दिकता थी, लगन थी। मैं नहीं कह सकता कि कैसे उनका भाषण मेरे अंतःकरण में उतरता चला गया। बीच बीच में उनसे भेंट मुलाकात होती रही। डॉक्टर जी ने मेरे अभिमान को झकझोर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संचालक और संघ कार्य को सतत विस्तार देने वाले महायोद्धा परम पूज्य श्री गुरुजी की जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।